गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम. डियर स्टूडेंट्स, वी वर कंटिन्यूइंग द टर्म डिटरमिनर्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच स्पेसिफाई अ नाउन. ओके, एंड दीज आर ऑलवेज पुट बिफोर अ नाउन एंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. ये हमेशा एक नाउन से पहले लगते हैं और हमेशा इनके बाद एक नाउन जरूर मिलेगा. Okay, both are the same. They as was told to you how it is told to you each and every video that how many types of determiners are there. And there are six types of determiners. Okay, articles. One is articles, demonstrative, possessive, quantifier, interrogative, and distributors. And we have completed one determiner, that is article. Article we have completed in the previous videos, and now in this video we are going to start the next determiner, that is demonstrators. Okay, कौन सा determiner हम शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो में? Demonstrative. As the name specifies, demonstrative are the word which use which demonstrators are the words which used or which point out a person or thing, जो कि किसी person और किसी thing को point करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं. Demonstrate मतलब इशारा करना, किसी को, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करना, point out करना. ओके dear students, there are four demonstratives. Okay, only four demonstratives are there. These are this, यह, दैट, वह, दीज, ये, दोज, वे. ओके, सो ओनली फोर डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर देयर. दिस, दैट, दीज एंड दोज. एंड फर्स्टली वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट दिस एंड दैट. ओके, हाउ एंड वेयर डू वी यूज दीज वर्ड्स, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव, वेयर डू वी यूज दीज डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस एंड दैट रेफर्स टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स क्लोज बाय. दिस और दैट का यूज हम कब करते हैं? उन वस्तुओं या उन व्यक्तियों को पॉइंट आउट करने के लिए, ये उन जो कि हमारे नज़दीक होते हैं, जो बिल्कुल हमारे पास होते हैं, जो कि हम अपने हाथ से उनको टच कर सकते हैं, इतने पास होते हैं, तो उनके लिए हम दिस और दिस डिटरमिनर का यूज़ करते हैं. दिस ऑलवेज फॉलोड विद अ सिंगुलर नाउन एंड दीज फॉलोड विद अ प्लूरल नाउन. हमेशा ध्यान रखना, दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा जो एक वचन होता है, और दैट, दीज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा जो कि बहुवचन होता है. ओके, लाइक दीज बुक्स आर बेटर दैन दोज. दीज बुक्स मतलब कि ये बुक्स, और बुक्स क्या है बेटा? प्लूरल है, तो हमेशा ध्यान रखना दीज के बाद क्या लगेगा? हमारा प्लूरल नाउन यूज होगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दैट एंड दोज. वेयर डू वी यूज दैट एंड दोज? दीज रेफर टू द पर्सन और ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, जो हमसे थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, जो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, विच वी कैन नॉट टच एट वंस, जो हम एक ही बार में टच नहीं कर सकते, थोड़ा सा दूर होते हैं, उनके लिए हम दैट और दोज का यूज करते हैं. ओके, एंड दैट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड दोज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. दैट से पहले, दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, और दोज के बाद किसका यूज होगा? हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा. नाउ थर्ड रूल इज दिस एंड दैट कैन बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो. दिस और दैट का यूज, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक वाटर, एयर, फूड, मिल्क. कैन वी काउंट दीज? नो ना. सो बिफोर दीज नाउन, बिफोर दीज अनकाउंटेबल नाउन, विच डेमोन्स्ट्रेटिव आर यूज? दिस एंड दैट डेमोन्स्ट्रेटिव आर यूज बिफोर uncountable noun. Now let me give you some examples, like this food, can we count it? No, no. हम क्या food को count कर सकते हैं? नहीं कर सकते. This food is not fit to be eaten. ये खाना खाने के योग्य नहीं है. So can we count food? No. So before it
which demonstrative should be used? This demonstrative should be used. The food is close. Okay, that's why we used here this demonstrative. Dash water is not fit for drinking. वो पानी पीने के योग्य नहीं है. That water is not fit for drinking. Can we count water? No. We can only measure it. It is not counted. It cannot be counted. Sorry. Okay. So before these types of noun, this and that demonstrators can be used. Okay. Like let me give you some more examples. These books are better than those. मतलब these books यहाँ पे these क्यों use हुआ? एक तो books है. इसके लिए हम these या those का use करेंगे. ठीक है. अब these इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि वो जो बुक्स जिन बुक्स के बारे में बात कर रहा है राइटर वो हमारे पास रखी है उसके बारे में उसके पास रखी है बिल्कुल ही कैन और शी कैन टच द बुक्स दैट्स वाई दीज द डेमोन्स्ट्रेटिव दीज इज यूज हियर एंड दोज अब हमने यहाँ पे दोज क्यों यूज किया क्योंकि वी आर थ्री वाई डिडंट वी यूज हियर दिस और दैट और यस वाई डिडंट वी यूज दिस और दैट This or that का use क्यों नहीं किया क्यों क्योंकि we are talking about books okay books क्या है हम books के बारे में बात कर रहे हैं और books क्या है plural noun है okay as it was told as I told you about it that with plural noun which demonstratives are used this or these demonstratives sorry these and those demonstrative are used with plural noun so book kya hai plural noun hai iske sath these na those demonstrative use hoga aur agar book past mein hai to these aur dur hai to those ka use hoga aur books plural hai isiliye humne ye nahi likh sakte ki this these books are better than this it will be wrong as we are talking about plural noun so with plural noun only these or those will be used and will you please give me that book kya tum mujhe wo book doge now here we are talking about one book only that's why we use here that okay is it clear to you the use of this and that clear to you students okay now I'll give one assignment also related to this these terms demonstratives and articles okay now we are going to start the next chapter mein that is possessive kya hota hai as the name specifies possessive jaisa ki naam se hi hame pata chal raha hai possessive kya hote hain jo hamare kisi vastu par adhikar dikhaye possess dikhaye matlab ye vastu मेरे से बिलोंग करती है या ये वस्तु उससे बिलोंग करती है या वस्तु आपसे बिलोंग करती है पर्सन आपसे बिलोंग करता है पर्सन मेरे से बिलोंग करता है तो पोजेसिवनेस दिखाया अधिकारात्मक जो वर्ड्स होते हैं पोजेसिव शोज समवन पोजेशन पोजेसिव क्या होते हैं किसी का अधिकार दिखाते हैं किसी वस्तु पर पोजेशन दिखाते हैं कि हाँ ये उसी की है ओके एंड हाउ मेनी पोजेसिव्स आर योर माय और योर माय मेरा और हमारा योर तुम्हारा हिज उसका हर उसका हिज वी यूज हिज फॉर अ बॉय एंड हर फॉर अ गर्ल ओके इट्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स व्हाट Do we use it? Okay, it's and their. Unka. How many possessives are there? My, our, your, his, her, its, and their. Okay. Now, let me give you some exercise. Let me clear the topic to you. This is my book. This is my book. ये मेरी book है. So we have. I have used here my possessive. If I write the sentence in other way, like this book is mine, the meaning of both the sentences is same. दोनों ही sentence का same मतलब है. This is my book. ये मेरी book है. Yeah, this book is mine. ये मेरी book है. दोनों का meaning same है. लेकिन यहाँ पे mine use हुआ है और यहाँ पे my use हुआ है. तो हमेशा ध्यान रखना बेटा. जो demonstratives हैं उनके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा कि ये माई जो यहाँ पे यूज हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है प्रोनाउन है क्या है एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव है प्रोनाउन है या क्या है तो हमेशा ध्यान रखना इसके बाद
जो डिमोस जो डिटरमिनर्स हैं, डिटरमिनर के बाद हमेशा किसका यूज होगा, नाउन का यूज मिलेगा। और जो अब ये लास्ट में देखो माइन है, अब ये भी पूछा जाएगा ये डिटरमिनर है, पोजेसिव है या फिर डेमोंस्ट्रेटिव है, प्रोनाउन है, क्या है। अब देखो ये क्या है, माइन प्रोनाउन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है और ये डिटरमिनर है, सॉरी ये पोजेसिव है, हाँ डिटरमिनर की पोजेसिव टर्म है। तो कैसे पता चलेगा कि ये डिटरमिनर है और ये प्रोनाउन है। तो हमेशा ध्यान रखना डिटरमिनर, इट इज टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन कि डिटरमिनर्स के बाद डिटरमिनर्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। हमेशा डिटरमिनर्स के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, डिटरमिनर्स के बाद हमेशा नाउन का यूज मिलेगा। सो इट इज डिटरमिनर, ओके, व्हाट इज इट, इट इज डिटरमिनर। और विच डिटरमिनर, इट इज पोजेसिव डिटरमिनर, क्लियर। और ये क्या है माइन, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हमें कोई और नाउन नहीं मिलेगा, प्रोनाउन पे आके सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, ये माइन क्या है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे आके प्रोनाउन के बाद कोई नाउन ये यूज करने की जरूरत नहीं होती, प्रोनाउन के बाद यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डिटरमिनर के बाद हमेशा एक नाउन मिलेगा, डिटरमिनर्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, डिटरमिनर्स के बाद हमेशा नाउन मिलेगा। सो दिस इज द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर एंड प्रोनाउन्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, डोंट डू मिस्टेक इन द टर्म, ओके, इट विल बी आस्क्ड टू यू which term is it? It is determiner or is it pronoun? Is it clear to you? Now let me give you some more examples. Let me see dash notebook. Let me see you notebook or your notebook. You or your, which should be filled here? Your notebook. मुझे तुम्हारी notebook देखने दो, या मुझे तुम notebook देखने दो, मुझे तुम्हारी notebook देखने दो। It is the possessive. Sorry. Let me see your notebook. She forgot dash purse on the table. वो अपना purse table पर भूल गई. His or her? Both are the possessive. But which possessive we have to use here? What do we use for she? She is a girl and the possessive determiner for she is her. Okay? She forgot her book on the table. Is it clear to you students? Now next video, I hope you understood the term, you understood the topic. In next video, we'll continue interrogative and distributive. Okay dear students, now it's enough for today's video.